Hey guys, I'm Akshay Singh. Thank you so much for visiting my channel. So today I'm going to show you how do I levitate my food just like this. लेविटेशन फोटोग्राफी आज का हमारा टॉपिक होगा लेविटेशन फोटोग्राफी ऊपर। तो लेविटेशन फोटोग्राफी क्या होती है? लेविटेशन फोटोग्राफी वो होती है जब आप कुछ इस तरीके से फ़ोटो क्लिक करते हैं जिसमें आपका फ्रेम का ऑब्जेक्ट एयर में फ्लोट हो रहा होता है। मोस्टली ये दो तरीके से की जाती है। पहला तरीका तो बहुत ही सिंपल है जिसमें आपके ऑब्जेक्ट को एयर में थ्रो करना होता है और एक राइट मूवमेंट पर आके आपको फ़ोटो क्लिक करनी होती है। सो दूसरा तरीका मेरा पर्सनली फेवरेट है जिसमें आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक सीन क्रिएट कर सकते हैं और बाद में जाके आप फोटोशॉप की हेल्प से मास्किंग करके जो भी सपोर्टिंग एलिमेंट्स है उसको इरेज कर सकते हैं। और डोंट वरी, अगर आपको फोटोशॉप नहीं भी आता तो ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। इसको और अच्छे से समझने के लिए चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने फोटोग्राफ्स कैसे लिए। चलिए फिर शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली अपना फ्रेम सेट कर रहा हूँ। एंड ऑल्सो आप एक बात का ध्यान रखें, अपना फूड या कोई भी सब्जेक्ट ऐड करने से पहले एक फ़ोटो पहले ही क्लिक करके रखें एम्प्टी बैकग्राउंड की, जिससे आप बाद में फोटोशॉप की हेल्प से लेयर मास्किंग करके सपोर्टिंग एलिमेंट्स को रिमूव कर सकते हैं। अब मेरा सारा सेटअप हो चुका है, अब मैं अपना फूड ऐड करूँगा। समोसों को लेविटेट करवाने के लिए मैं थ्रेड का यूज़ करके समोसों को हैंग कर रहा हूँ। It was at this moment that he knew he fucked up. Oh no! चलिए कोई नहीं, दोबारा कोशिश करते हैं। केचप की पोरिंग के लिए मैं मिल्क पॉट यूज कर रहा हूँ स्टिक के सपोर्ट से, जिसको मैं फोटोशॉप में जाके रिमूव करूंगा। अब मैं इसमें लेमन्स और ग्रीन चिलीज ऐड करूंगा। ग्रीन चिलीज को लेविटेट करवाने के लिए मैं उसको भी हैंग करूंगा। फाइनली मेरा सारा सेटअप हो चुका है, अब मुझे बस सेवरल फोटोज क्लिक करनी है। सो मैंने ये दो फोटोग्राफ सेलेक्ट की हैं। फर्स्ट फोटोग्राफ को मैंने पहले ही क्लिक करके रखी थी, जिसको मैं यूज़ करके अपने सपोर्टिंग एलिमेंट को रिमूव करूँगा। अब आते हैं हम फोटोशॉप पे। मैंने अपनी दोनों ही इमेज को इम्पोर्ट कर लिया है। इम्पोर्ट करने के बाद मैं उस लेयर को सेलेक्ट करूँगा जिस लेयर पर मुझे मास्किंग करनी है। उसके बाद हमें इस आइकन पे क्लिक करना है जो लेयर मास्क क्रिएट कर देगा। उसके बाद हमें ब्रश टूल को सेलेक्ट करना है। मेक श्योर कि आपका ब्लैक कलर सिलेक्टेड हो। अब हमें उस एरिया पे पेंट करना है जिस एरिया को हमें रिमूव करना है। फाइनली मैंने मिल्क पॉट से सपोर्टिंग एलिमेंट्स रिमूव कर दिए हैं। अब हमें दोनों लेयरों को सेलेक्ट करके मर्ज कर देना है कंट्रोल ई प्रेस करके। मर्ज करने के बाद आपको स्पॉट हीलिंग ब्रश को सेलेक्ट करना है। अब हम उस एरिया में पेंट करेंगे जहाँ जहाँ हमारा थ्रेड दिख रहा है। फोटोशॉप ऑटोमेटिकली पिक्सल कैलकुलेट करके इसको रिमूव कर देगा। अब आपकी इमेज बिल्कुल तैयार है एक्सपोर्ट होने के लिए। सो इफ यू गाइज एंजॉय दिस वीडियो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब दिस चैनल, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे।